My dear all the students on this platform online English learning class 10th में हम book की एक activity करने जा रहे हैं जो कि आपके page number 9th पर मिलेगी. page number 9th पर जाएंगे आप तो आपको book की एक activity मिलेगी. ये match the columns, A को B से match करना है. ठीक है, match the sentences in column A with द मीनिंग ऑफ अ होप इन कॉलम बी. होप मतलब आशा के साथ में उसको जोड़कर कॉलम बी के साथ में आपको इसको लिखना है. तो देखिए इसमें दिया हुआ है. तो अब इसमें जो कॉलम है इसके आगे फीलिंग्स दे रखी है और इधर जो है वो सेंटेंस दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. तो ये जो पहला है इसमें विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी इन अ कॉलेज, आई होप सो, इसके आगे दे रखा है अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन. पर ये इससे मैच नहीं करता है क्योंकि ये कोई थिंकिंग नहीं है जो समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी हैपन. तो इसमें आप देखिए कि इसके आगे आखिर कौन सा लगेगा. तो इसके आगे जो है सेंटेंस लगेगा सेंटेंस नंबर फोर्थ जिसका मतलब है वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, जिसकी पॉसिबिलिटीज हो उसके बारे में. तो ये फोर्थ का जो ऑप्शन है वो पहले सेंटेंस के सामने मैच होगा. तो आप इसको मैच कर लीजिए. अब आते हैं अपन सेंटेंस नंबर सेकंड पे कि सेंटेंस नंबर इसका सेकंड क्या कहना चाह रहा है. आई होप दैट यू डोंट माइंड, मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानोगे माय सेइंग दिस, बट आई डोंट लाइक द वे दैट यू आर आर्ग्यूइंग. ठीक है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरीके से आप आर्ग्यू कर रहे हैं. तो ये क्या कर रहा है, इसके आगे जो सेंटेंस है उसमें लिखा है थिंकिंग दैट वुड हैपन इट मे और मे नॉट हैव हैपन, जो कि हुआ नहीं है. ये इसमें नहीं आएगा, इसमें सिंपली आएगा शोइंग कंसर्न दैट यू से यू शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब अदर्स अदर पर्सन एंड अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट, कि पोलाइट किस प्रकार होना है इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से मैच करती हुई है. अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड की. सेंटेंस नंबर थर्ड में क्या है, दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू एच आई वी और एड्स सफरर्स, मतलब सफर करने वाले जो सफरर्स हैं उनको एक नई होप दी है, एक नई आशा दी है. तो इसमें क्या है, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, एक फीलिंग है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है. तो ये थ्री सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं. अब बात करते हैं कॉलम ए और बी की. जो सेंटेंस फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तीन सेंटेंस और बचे थे इसमें जिनको हम कंप्लीट करने जा रहे थे. और इन्हीं सेंटेंस के साथ में वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जज वुड नॉट नोटिस आर मिस्टेक, इसके सामने क्या होगा, ये एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं. वैसे सेंटेंस नंबर फोर्थ के सामने शोइंग कंसर्न दैट यू से यू शुड नॉट ऑफेंड और डिस्ट्रीब्यूट, पर ये ऑलरेडी हो चुका है तो इसका जो है वो सेंटेंस अगेंस्ट में आएगा. इसके सामने जो सेंटेंस आएगा विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल दो दिस इज अनलाइकली, जो चीज होने नहीं जा रही है या जो चीज होने वाली नहीं है पर उसकी भी यहां पर इच्छा की जा रही है. ठीक है, तो इसमें जो सेंटेंस आएगा इसमें लास्ट का आएगा, जो आपका सिक्स नंबर का जो सेंटेंस है वो फोर्थ के सामने कंप्लीट हो जाएगा. अब बात करते हैं सेंटेंस फिफ्थ की. आई कॉल्ड अर्ली इन होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल. I called early in a hope of speaking to her before she went to school. उसके स्कूल जाने से पहले की बात है इसमें. तो ये सेंटेंस हमारा एड होगा thinking that would happen, it may or may not have happened. जो अब तक नहीं हुआ है उसकी परिकल्पना इस सेंटेंस के अंदर की जा रही है. तो इसमें कौन सा सेंटेंस आएगा, इसमें सेंटेंस नंबर टू के साथ में सेंटेंस नंबर फिफ्थ जो है वो एड हो जाएगा. अब बात कर लेते हैं आखिरी के सेंटेंस की. जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप होप फिशरमैन केम बैक
7 days after the cyclone, सब ने आशा त्याग दी थी। उसके 7 दिन बाद फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति जो है वो वापस आया, stopped believing that this good thing would happen, ये अच्छी चीज भी हो सकती है, इस चीज को उन्होंने स्टॉप कर दिया, मतलब रोक दिया। इसमें सेंटेंस नंबर 3 इसके साथ में प्लस होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने आज ये पेज नंबर 9 का कॉलम ए से कॉलम बी को जोड़ना सिखाया, और इसका होमवर्क जो है वो आपको ऐड करना है और राइट द कॉलम्स इन नोटबुक में इसको राइट करना और मैच करना, और एक बार आपको इसको अच्छे से पढ़ना है।